जय हिंद। आज की क्लास पुस्तकालय में शोध विधि पर आधारित क्लास है। आप लोग क्लास का पूरा शेड्यूल जो है मैं जारी कर दिया हूं, इसी शेड्यूल के अनुसार आप लोग का क्लास चलेगी। और अब टेस्ट भी जो है आप लोग दे पाएंगे प्रत्येक दिन। यह आप लोग का क्लास अब रनिंग मोड में रहेगी, वैकेंसी आएगी ही आने वाली है। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूं पुस्तकालय में शोध। ये शोध होता क्या है? तो देखिए, शोध जो होता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न जो हम करते हैं उसी को शोध कहते हैं। शोध में अध्ययन करने के साथ साथ अनुसंधान संपन्न करने की भी क्या होती है, एक वैज्ञानिक विधि होती है। और इसमें बहुत सारे प्रक्रियाओं का एक संकलन होता है। इसमें विधियां होती हैं, उपकरण होते हैं, गणितीय एवं सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत प्रकार के समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को भी लिखा जाता है, डेटाओं का संकलन किया जाता है, उसका प्राकल्पना की जाती है, और फिर जितने भी आंकड़े होते हैं उसका सभी क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। उसका विश्लेषण करने के बाद फिर उसकी सत्यता की परख की जाती है, और तब जाकर के एक नई जो है नवीन जो है खोजे होती है। तो यहां पर यही है शोध। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं शोध क्या है, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं, शोध। अब देखिए, शोध का जो है बहुत सारे अंग होते हैं, मैं इसके अंग के बारे में बताता हूं। अब ये बताइए, हम लोग का शरीर ही देख लीजिए, मान लेते हैं एक शरीर जो है क्या एक ही अंग से बनी हुई है? नहीं ना, इसमें हाथ है, पांव है, आंखें हैं, काने हैं, बहुत सारे इसके अलावा भी आंतरिक अंगे हैं। ये सभी अंगों का क्या है, अपनी अपनी भूमिकाएं होती है, तब जाकर के यह एक शरीर का जो है निर्माण होता है। उसी प्रकार से शोध के लिए भी उसका बहुत सारे अंग होते हैं। तो परीक्षा में यह सब पूछता रहता है कि शोध का अंग, आपको समझना पड़ेगा कि शोध का क्या क्या अंग होते हैं। तो देखिए, शोध का जो अंग होता है, पहला ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा। शोध से हमें किसी भी प्रकार की समस्याएं जो हैं आसानी से हल हो जाती है। यह कब? क्योंकि वह शोध जो होता है या तो पहले किया हुआ रहता है, या नहीं तो वह किसी न किसी प्रकार की शोध से जो है क्या होता है, लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो उस शोध के बारे में अगर ज्ञाने होती है तो उसकी समस्याओं को हम आसानी से क्या करते हैं, सुलझा लेते हैं, और वह समस्याएं जो हैं दूर हो सकती हैं, और यह आसानी से जो है उस समस्याओं को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब प्रासंगिक तथ्यों का संकलन दूसरा है इसी में, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। इसमें बहुत सारे तथ्य मिले हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तथ्य। अब जैसे एक से एक नवीन शोधे को ही ले लीजिए, तो पहले जो कुछ शोधे हो चुकी है तो उस शोध को मिला करके उसी को फिर और अन्य प्रकार से शोध करके एक नया शोध जो है क्या होता है, हो जाता है। तो एक शोध दूसरे शोध से भी किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का भी क्या होता है, संकलन होता है। और नेक्स्ट है
विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन। कोई भी शोध के लिए हम अपनी विवेक से क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो है चौथा उसका परिणाम निकालते हैं, उस शोध का रिजल्ट निकलता है और फिर उसके बाद जो है उसकी सत्यता की जांच की जाती है। तो ये किसी भी शोध के जो है अंग होते हैं। अब इसी में पूछा जाए कि शोध का महत्व क्या है, शोध हम क्यों करते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहलाता है। तो यहां पर उसी प्रकार से शोध भी है, शोध का महत्व क्या है। तो शोध जो है मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा एक नया ज्ञान के भंडार को क्या करता है, विकसित करता है या उसी को परिमार्जित करता है। तो यह सबसे पहला शोध का महत्व है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ शोधे करते हैं और वह शोध जो है क्या होता है, एक नया जो है दिशा देता है और उस शोध से जो है हम लोगों को क्या होते हैं, एक नया ज्ञान की भी प्राप्ति होती है या नहीं तो पहले के ज्ञान में क्या होता है उसी को अपडेट कर देते हैं। तो ये शोध का महत्व है। इसके अलावा भी शोध का और भी महत्व है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है, इससे व्यवहारिक समस्याओं का भी समाधान होता है। अब आप जैसे जा रहे हैं रोड पर और देख रहे हैं कि कोई मुसीबत में है तो आप उसकी क्या करते हैं, या सहायता कर देते हैं। सहायता क्यों करते हैं, या तो आपके अंदर जो है एक अपना विवेक जो है वह उस समय काम करता है, या नहीं तो आप पढ़े रहते हैं कि मुसीबतों में क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो ये अध्ययन कहीं ना कहीं किया हुआ रहता है। तो वह अध्ययन जो है आपको वहां पर क्या होता है, वह सहायता करता है और वह व्यवहार के रूप में आपको प्रेरणा देता है, जिससे व्यवहारिक समस्याओं का भी क्या होता है, समाधान हो जाता है। इसके अलावा शोध जो है व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास भी होता है, या शोध ज्ञान जो है आपके व्यक्तित्व के विकास में भी क्या होता है, भूमिका निभाता है, उससे आपका बौद्धिक जो है विकास भी होता है। और इसके अलावा जो है और भी महत्व है, यह शोध सामाजिक विकास का सहायक होता है, यह समाज को विकास करने में सहायता करता है, यह ऐतिहासिक शोध पद्धति पर भी कार्य करता है, क्योंकि आप इतिहास को पढ़ करके उसके पूर्व घटना से प्रेरणा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, तो यह एक समाज को विकास करने का या समाज को विकास करने में आप सहायक होते हैं, या शोध जो होता है सहायक होता है। तो इसी में परीक्षा में पूछता रहता है कि ऐतिहासिक शोध जो होता है वह किस प्रकार का होता है। तो यह ऐतिहासिक शोध जो होता है यह आपको अतीतोन्मुख होता है, जो अतीत से लिया हुआ होता है, अतीत के बारे में किया हुआ एक अध्ययन होता है, वह आपको प्रेरणा जो है अतीतों से कहीं ना कहीं मिलती है। तो यह शोध जो है सामाजिक विकास का एक सहायक होता है और वह ऐतिहासिक विधि पद्धति होता है, और यह ऐतिहासिक शोध पद्धति जो होता है क्या होता है, तो अतीतोन्मुख होती है। तो इसको याद रखेंगे इस शब्द को। इसके अलावा भी है, शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करती है। शोध एक प्रकार के आप में जिज्ञासा को भी जन्म देता है, एक जिज्ञासा आप में एक नया जिज्ञासा जो है जागती है और आपको एक प्रेरणा मिलती है और उस शोध उस के बारे में आप अधिक से अधिक शोध करते हैं। इसके अलावा भी है,
शोध अनेक नवीन कार्य विधियों एवं उत्पादों को विकसित करता है। शोध जो होता है अनेक नवीन कार्य विधियों और उत्पादों को विकास करने में भी सहायता करता है। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में भी सहायक होता है। अगर मान लेते हैं पहले से कोई समस्याएं हैं या उस समस्याओं से कोई ग्रसित है, तो आप इस शोध विधि से उस समस्याओं को भी क्या करते हैं, आप निदान करते हैं, उसका निवारण करते हैं, या कोई पूर्वाग्रहित होता है तो उसको भी हल करने में आप सहायक होते हैं। इसके अलावा भी है शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। ऐसा ही नहीं कि शोध जो है एक ही दिन में या क्षण भर में हो जाता है, एक शोध करने में कई वर्ष भी लग जाते हैं और किसी भी शोध का जो है परिणाम जीरो नहीं होता है, उसका कोई ना कोई परिणाम होता है। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि शोध का परिणाम होता है क्या होता है, यह धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक तो होता ही है, लेकिन कहने का मतलब उसका परिणाम जो है शून्य कभी भी नहीं होता है। इस और इसको भी याद रखेंगे, किसी भी शोध का जो है परिणाम कभी भी शून्य नहीं होता है। अब जो है इसी में है आपको शोध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो एक जो है इसमें सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे मेथड, कोई भी शोध जो है सर्वे मेथड से भी किया जाता है। अब मैं सर्वे मेथड पर चर्चा आगे करने वाला हूं, पहले पद्धतियां के बारे में जान लेते हैं। एक होता है आलोचनात्मक पद्धति, अगर मान लेते हैं आप ही किसी का आलोचना करते हैं तो उससे भी उसको पॉजिटिव कुछ ना कुछ गहन होता है, वह क्या करता है, वह अगर पॉजिटिव वे में लेता है तो वह एक नया अवतार के रूप में पनपता है, और या कोई आप ही को आलोचना करता है तो अगर आप उस पर थिंकिंग करते हैं कि मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं, तो आप भी एक अच्छे बन सकते हैं और बनते हैं। नहीं अगर आप उसको नकारात्मक रूप में लेते हैं तो वही जो है आपको बुरा भी क्या करता है, बना देता है। तो एक शोध जो होता है आलोचनात्मक पद्धति भी होता है, और यह शोध जो है आलोचनात्मक पद्धति जो है धार्मिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, या राजनीतिक भी हो सकते हैं, राजनीति में भी आलोचना बहुत होता रहता है। अगला है समस्या मूलक पद्धति, प्रॉब्लम बेस्ड मेथड, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वह किस प्रकार की समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए भी उस पर शोध किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आप एक सवाल बना रहे हैं, वह सवाल आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं उस पर शोध करते हैं, या नहीं तो वह आप किसी का क्या करते हैं सहायता लेते हैं, और वह समस्या मूलक पद्धति यह होता है, प्रॉब्लम बेस्ड मेथड होता है। इसके बाद जो है तुलनात्मक पद्धति होता है, आप या एक किसी प्रकार की शोध करने के लिए आप कंपैरेटिव मेथड करते हैं। यह तुलनात्मक मेथड जो होता है कभी कभी बहुत हार्म भी हो जाता है और कभी कभी फायदेमंद भी होता है। जैसे मान लेते हैं आप अपने बच्चा पर ही ले लीजिए, यदि आप अपने बच्चा की तुलना जो है किसी पड़ोसी के बच्चे या किसी संबंधी के बच्चे से करते हैं तो वह बच्चा पर बुरा प्रभाव भी डालता है, तो वहां और यह अच्छा प्रभाव भी डालता है। वैसे साइंस कहती है कि कभी भी बच्चों का जो है तुलना किसी दूसरे अन्य बच्चों से नहीं करने चाहिए। तो यह तुलनात्मक पद्धति भी होता है, तो यह शोध का एक क्या है, यह भाग है। इसके अलावा वर्गीय अध्ययन पद्धति, ये क्लास बेस्ड मेथड होता है। जैसे मान लेते हैं एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जब मान लेते हैं 40 से 45 बच्चे एक क्लास में है, एक सेक्शन में है,
और दूसरे सेक्शन में भी उतना ही है, तीसरे सेक्शन में भी उतना ही है, तो आप फिर क्या करते हैं, तो वह उसका वर्गीय अध्ययन पद्धति के मेथड से उस पर भी शोध करते हैं और आप कंपेयर भी करते हैं और कहते हैं कौन सेक्शन का बच्चा क्या है तेज है और किस सेक्शन का बच्चा जो है मंद प्रवृत्ति के है, और उसमें भी जिस सेक्शन का तेज बच्चा है उसमें कितने बच्चे तेज हैं। तो ये एक वर्गीय अध्ययन पद्धति भी होता है। इसी प्रकार से कोई अन्य प्रकार की शोध भी, जैसे आप बायोलॉजी में जीव विज्ञान में अगर शोध का अगर बात करें तो जीव विज्ञान में क्या होता है, जैसे सूक्ष्म जीवों का, तो उसी में भी बहुत सारे हैं, तो ये अमीबा प्रोटोजोआ वायरस ये सब जितने भी है उसका भी एक वर्ग है, उस पर भी क्या है अलग अलग क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है, या जीवों का ही ले लीजिए या वनस्पति का ही ले लीजिए, तो एक वर्ग बना करके एक ग्रुप बना करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो यह जो अध्ययन होता है वह आपको आसान बनाने के लिए, सुविधा बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप दुकाने के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो वह भी क्या करता है अपने जितने भी वस्तुएं होते हैं वह सभी सामग्रियों को क्या करते हैं अलग अलग वह एक वर्ग को एक जगह अरेंज करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वह उसको क्या हो आसान से आसान बना दे, कस्टमर को वह आसानी से वो क्या कर दे वह प्रदान कर दे। उसी तरह से किसी भी वर्ग की अध्ययन करने के लिए उसको क्लास बेस मेथड पर भी क्या किया जाता है उसका रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है। इसके अलावा भी होता है शोध का भाग क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति। अब जैसे हर क्षेत्र का क्या होता है अलग अलग वातावरण होता है, वहां की जलवायु जो है क्लाइमेट जो है अलग अलग होते हैं, तो वह क्षेत्र के आधार पर जो है वहां पर अध्ययन किया जाता है। जैसे राजस्थान का यहाँ मौसम देख लीजिए, यहाँ उत्तरी बिहार का मौसम देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, लद्दाख का देख लीजिए, तो सबका जो है वह ये अलग अलग यह क्षेत्रीय अध्ययन करके वहां जो है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो एक क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति भी होते हैं। ये सभी जो है शोध के प्रकार हैं। ये याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। यदि आप इस पूरे स्टडी मटेरियल्स को पढ़ते हैं या आप वीडियो को भी देखते हैं तो आप जो है उसको समझ लीजिएगा, और परीक्षा में जो है सिंपल वे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और मैं उस क्वेश्चंस को भी बताने वाला हूं, उस टेस्ट को भी लेने वाला हूं, और आप उस टेस्ट में दीजिए और क्वेश्चंस किस आधार पर रहता है आप पूरे क्वेश्चंस को देखिए और बार बार टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा भी है, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति के अलावा भी है, और सा कौन सा है, आगमन इंडक्शन होता है, इसके बाद जो होता है निगमन पद्धति भी होता है और डिडक्शन होता है, इसके बाद और भी है आलोचनात्मक पद्धति, क्रिटिकल मेथड होता है, काव्यशास्त्री पद्धति, एस्थेटिक या वोटिक मेथड भी होते हैं। तो ये सब सभी जो है शोध का क्या है प्रकार है, ये सभी शोध के प्रकार है। इसके बाद समाज शास्त्रीय पद्धति और भाषा वैज्ञानिक पद्धति, शैली वैज्ञानिक पद्धति, ये सभी जो है शोध के प्रकार है। इसके अलावा ये मनोवैज्ञानिक पद्धति, साइकोलॉजिकल मेथड भी शोध के प्रकार है, ये सभी शोध के प्रकार है। अब शोध के प्रकार और भी है उपयोग के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर क्या क्या है तो देख लीजिए, आप किस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं, आपकी उपयोगिता क्या है। तो एक होता है विशुद्ध मूल, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च होता है, और एक होता है प्रायोगिक या प्रयुक्त क्रियाशील अप्लाइड रिसर्च होता है एक। और देखिए काल के आधार पर, समय के आधार पर भी शोध कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है ऐतिहासिक शोध जो इतिहास से संबंध रखता है, एक होता है वर्णनात्मक विवरणात्मक शोध जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से संबंध रखता है, किसी शोध के बारे में वह पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। तो वर्णनात्मक विधि शोध जो होता है यह भी या विज्ञान
के प्रकार का ही एक अंग है और इसमें भी जो है अनेक प्रकार के भौतिकीय एवं प्राकृतिक विज्ञानों का क्या कहता है तो अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में वर्णन किया जाता है। यह मानव क्रियाकलापों और उनके तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होता है। इसके अलावा जो है शोध के कुछ मुख्य प्रकार भी होते हैं। शोध के कुछ मुख्य प्रकार क्या है? वर्णात्मक शोध। तो वर्णात्मक शोध में शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसमें सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग होता है और यह वर्तमान समय का इसमें वर्णन होता है। इसमें मूल्य प्रश्न होते हैं क्या है, जैसे ये वर्णात्मक शोध कहलाता है। वर्णात्मक शोध का सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है, क्या है, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो यह आपको याद रखना है। अगला है विश्लेषणात्मक शोध, जो शोधकर्ताओं का चरों पर यह पूरा नियंत्रण होता है। इसमें शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं और तथ्यों का अध्ययन करता है और इसके अलावा होता है विशुद्ध शोध, विशुद्ध या मूल शोध। इसमें सिद्धांत थ्योरी निर्माण होता है जो ज्ञान का विस्तार करता है और गणित तथा मूल विज्ञान के शोध का निर्माण करता है, वह विशुद्ध या मूल शोध होता है। इसके अलावा जो है प्रायोगिक या प्रयुक्त शोध, या पहले से शोध किया हुआ रहता है उसको बार बार क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय में, कॉलेज में या प्रयोगशाला में आप जो प्रयोग करते हैं पुरानी बातों को, वह प्रायोगिक या प्रयुक्त शोध होता है। उसी से फिर क्या होता है, एक नया एक शोध जो है का जन्म हो पाता है, एक नए जो है आविष्कार हो जाता है, एक नई खोजें होती है। तो किसी भी एक नए शोध में जो है प्रायोगिक या प्रयुक्त शोध का होना बहुत आवश्यक होता है। अगला होता है मात्रात्मक शोध, जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। इस शोध में चरों की संख्या या मात्रा आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं 15 वर्ष के आयु के बच्चों के संख्या, तो यह क्या किया जाएगा, तो यह स्कूल के जो है जितने भी 15 वर्ष के बच्चों का डेटा को क्या किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। तो ये एक मात्रात्मक शोध होते हैं। गुणात्मक शोध भी इसके अलावा होता है। इस शोधों में क्या किया जाता है, तो उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। एक होता है सैद्धांतिक शोध, जो सिद्धांत निर्माण और विकास शोध, ये पुस्तकालय शोध या उपलब्ध डेटा के आधार पर किया जाता है। तो सैद्धांतिक शोध के लिए पुस्तकालय की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। उसी से मटेरियल को, डेटा को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है और उस पर अध्ययन करके, उस पर एक विश्लेषण करके एक नए शोध को जन्म दिया जाता है। इसके अलावा भी होता है अप्रयोगात्मक शोध, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या वर्णात्मक शोध के ही लगभग बराबर होता है। ऐतिहासिक शोध जो होता है इतिहास को ध्यान में रखकर शोध किया जाता है और इसमें मूल प्रश्न होता है क्या था, जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई वगैरह, हड़प्पा संस्कृति वगैरह जो देख लीजिए, ये सब जितने भी हैं वो ऐतिहासिक शोध है और उससे पहले के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है। तो उसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या था, तो ये जो है ऐतिहासिक शोध कहलाता है। और मैं पहले ही बता दिया हूं कि ऐतिहासिक शोध क्या होता है। ऐतिहासिक शोध जो होता है अतीतोन्मुख होता है, जो बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है नैदानिक शोध, उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल रिसर्च। इसमें
या खास करके मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, या इसमें समस्याओं का पता लगाना होता है। जैसे मान लेते हैं किसी को किडनी खराब हो गया तो उसका क्या कहता है, डायग्नोसिस किया जाता है, तो ये नैदानिक शोध कहलाता है। एक होता है अनुभाविक शोध। अनुभाविक शोध क्या होता है, तो अनुभाविक शोध में तीन प्रकार होता है। एक होता है परीक्षण, जिसमें ऑब्जर्वेशन आता है, और दूसरा होता है सहसंबंधात्मक कोरिलेशनल और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल। ये तीन भाग होते हैं। अब किसी भी शोध की एक अपनी रूपरेखा होती है, तो किसी शोध प्रबंधन की रूपरेखा क्या होता है, सबसे पहले आपको शोध किस विषय पर करना है, उसका शीर्षक क्या है, तो सही शीर्षक का चुनाव जो होता है विषय वस्तु को ध्यान में रख करके किया जाता है। जैसे अगर आप पीएचडी करना चाहेंगे तो पीएचडी करने के लिए आपका जो गाइड होता है वह आपको एक क्या करेगा, शोध का एक शीर्षक देगा, उस पर ही क्या करना पड़ेगा, अपना थीसिस जो है लिखना पड़ेगा, और वह गाइड के पास क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो एक सही शीर्षक का चुनाव भी करना पड़ता है। इसके अलावा जो है शीर्षक ऐसा हो जिससे शोध निबंध का उद्देश्य अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आपका उद्देश्य कुछ और है, शीर्षक कुछ और है, उसका कंटेंट कुछ और है, ऐसे नहीं। तो ये आपका लक्ष्य क्या है, शोध की टारगेट क्या है, एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सब जो है उसके शीर्षक में जो है, या शीर्षक से ही जो है वह झलकता हो। अगला जो होता है, शीर्षक न तो अधिक लंबी होनी चाहिए और न ही अधिक छोटी। एक उसका जो है सही आकार होना चाहिए। इसके अलावा भी है, शीर्षक में निबंध में उपयोग किए गए शब्दों की जहां तक हो सके उपयोग होना चाहिए। शीर्षक भ्रामक नहीं होना चाहिए, भ्रम में डालने वाला नहीं होना चाहिए। शीर्षक को रोचक अथवा आकर्षक बनाने का प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा जो है उसका जो भी समस्याएं होती है उसके समस्याओं का निदान करने का एक सटीक तरीका होना चाहिए। तो कोई भी शोध की समस्या, कोई भी शोध जो होगा उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आएगी, तो उस समस्याओं का ये दूर करने का भी कई चरण होते हैं, मैं उस पर अब ये फोकस डाल रहा हूँ। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें क्या क्या प्रॉब्लमें आ सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका समस्या का सामान्य एवं व्यापक कथन, वह किस प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप लिफ्ट में जो है सफर कर रहे हैं, लिफ्ट से एक मंजिला से 50 मंजिला पर जा रहे हैं, और लिफ्ट जो है बीचे में रस्सी टूट गया लिफ्ट का, तो क्यों टूटा उस पर अनुसंधान होगा, वो सामान्य एवं व्यापक उसका कथन होने चाहिए। समस्याएं की प्रकृति को समझना चाहिए, वह किस प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वह शोध किसी भी प्रकार का क्यों न हो। इसके अलावा संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण होनी चाहिए, परिचर्चा के द्वारा विकास विचारों का विकास होनी चाहिए, शोध समस्या का पुनर्लेखन होना चाहिए, अगर उसमें कुछ बदलाव है तो बदलाव आप कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से तात्पर्य क्या होता है, तो उस अध्ययन से होता है जो शोध समस्या के चयन से पहले अथवा बाद में उसका समस्या पर पूर्ण रूप से जो है विचार किया जाता है, उसके कार्य सिद्धांत कार्यविधि तकनीक इन सभी बातों पर विचार किया जाता है, और फिर उस शोध के दरमियान क्या क्या त्रुटियां होती है उसके समस्याओं का निदान किया जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है, एक उसके डेटा जो है आंकड़ा को जो है क्या कहता है एकत्रित किया जाता है, और फिर उसके बारे में जो है लिखा जाता है, डायरी लिखा जाता है। तो ये भी पूछता रहता है परीक्षाओं में
डायरी की क्यों आवश्यकता होती है? तो डायरी की आवश्यकताएं जो है उसमें गोपनीय बातों को जो लिखा जाता है, इसीलिए डायरी की आवश्यकताएं होती है। डायरी में क्या करते हैं? तो गोपनीय बातों को लिखते हैं। आप डायरी का फुल फॉर्म ही जानते हैं, क्या होता है? डार्लिंग आई ऑलवेज रिमेम्बर यू, हे प्रियतम मैं आपको हमेशा याद करती हूँ। तो यह जो है उसमें क्या करते हैं, तो आप उस बातों को लिखते हैं जो शोध में आप प्राप्त करते हैं। तो डायरी मेंटेन करना अति आवश्यक होते हैं। एक अच्छे आदमी जो होते हैं या एक महान आदमी जो होते हैं अपनी आत्मकथा लिखते हैं, अपनी डायरी लिखते हैं, और उस डायरी में जो है उन सभी राजों को, उस रहस्यों को लिखते हैं जो कोई नहीं जानता है, और वह भी अपने जीवित में जो है किसी को नहीं जानने देते हैं, और वह अपनी आत्मकथा को, अपनी डायरी को मरने के बाद ही उनकी आत्मकथा को या उनके जीवनी के बारे में या गोपनीय बातों के बारे में कोई बाद में जान पाता है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि डायरी में क्या लिखा जाता है। तो डायरी में गुप्त बातों का रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा भी जो होता है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, यह भी मुख्य दो प्रकार से किया जाता है। प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण, जो प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण शोध कार्य को प्रारंभ करने से संबंध रखता है, और इसके अलावा जो होता है व्यापक साहित्य सर्वेक्षण, वह व्यापक तौर पर इसमें पहले के शोध भी क्या होता है शामिल होता है, और एक नए शोध की प्रक्रिया में क्या करता है वह सहायक होता है। एक व्यापक सर्वेक्षण शोध का प्रारूप निर्माण डेटा संकलन करने में वह भी क्या करता है सहायता करता है। साहित्यिक सर्वेक्षण के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो साहित्यिक सर्वेक्षण के स्रोत जो होता है पहला पाठ्य पुस्तक और अन्य ग्रंथ होता है, दूसरा शोध पत्र होता है, सम्मेलन या सेमिनार होता है, शोध प्रबंध होता है, पत्रिका एवं समाचार पत्र होता है, इंटरनेट होता है, और ऑडियो वीडियो होता है। इसके अलावा कुछ जो होते हैं सामाजिक तर्क भी होते हैं। आपको समाज के तर्क के बिना भी कुछ शोध नहीं कर पाएंगे, तो शोध करने के लिए सामाजिक तर्क, प्राकृतिक, ये सब सभी का होना भी क्या होता है आवश्यक होता है। इसके अलावा साक्षात्कार और हस्तलिखित या अप्रकाशित पांडुलिपि जो होते हैं ये सभी भी शोध के ही अंग होते हैं। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या क्या होता है? तो शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण जो होता है अनुसंधान समस्या का निर्माण करना, ये अनुसंधान समस्या का निर्माण करता है, संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करता है, परिकल्पना हाइपोथेसिस या प्राकल्पना का भी वह निर्माण करता है। इसके अलावा शोध की रूपरेखा, शोध प्रारूप को तैयार करता है, आंकड़ों का संकलन करता है और तथ्यों का विश्लेषण करता है, प्राकल्पना की जांच करता है, सामान्यकरण व व्याख्या करता है और शोध प्रतिवेदन तैयार करता है। ये सभी जो होते हैं शोध के जो है यह प्रमुख चरण होते हैं। इसके अलावा प्राथमिक सूचना संकलन करने की क्या विधियां होती है शोध में? तो देखिए प्राथमिक सूचना संकलन करने की तीन विधियां होती है, साक्षात्कार पहला, दूसरा अनुसूची और तीसरा निरीक्षण। कोई भी शोध के प्राथमिक सूचना संकलन करने की ये तीन विधियां होती है। उसके अलावा जो है द्वितीयक सूचना भी होती है जो डायरी होता है, और इसके अलावा जो है डायरी के अलावा आपका दूसरा होता है जीवन इतिहास, उसके बारे में आप क्या था यह जिज्ञासा जो है
रख करके जो है उसके बारे में भी संकलन करते हैं, आंकड़ा को एकत्रित करते हैं। इसके अलावा सामाजिक सर्वेक्षण, अब ये सर्वे जो होता है, जैसे आज मैं भी सर्वे जो कर रहा हूँ आप लोगों का, बिहार में जो है लाइब्रेरी की बहाली 12 वर्षों से नहीं आने के क्या कारण है। तो ये सर्वे शब्द जो है, सर्वे शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है सर और दूसरा जो है व्योर। सर का नाम ये स्योर का अर्थ होता है ओवर, जो ऊपर होता है, और व्योर का अर्थ होता है वेरी, मतलब टुक टू लुक, देखना माने ऊपर से देखना। ये सामान्य शब्दों में सर्वे का अर्थ क्या हो गया, ऊपर से देखना या देखभाल करना होता है, टू लुक ओवर होता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वे का क्या अर्थ होता है, सर्वे का अर्थ होता है टू लुक ओवर, ऊपर से देखना। इसके अलावा जो होता है सामान्य शब्दों में सर्वेक्षण का शब्दार्थ जो है किसी दशा या स्थिति अथवा मूल्य के संबंध में जांच करता है। और सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा भी अनेक विद्वानों ने दिए हैं, जिसमें ज्यादा पूछने वाला जो होता है आपको ब्रोगार्ड्स के अनुसार, एक सर्वेक्षण में किसी विषय क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य को एकत्रित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दिया है, बोगार्ड साहब ने। तो इसमें क्या है, तो एक सर्वेक्षण में किसी विषय क्षेत्र के लोगों के या तो रहन सहन हो सकता है, वह कार्य करने की दशा हो सकता है। तो जैसे इसमें क्षेत्र जो हो गया, जैसे मानते हैं वैज्ञानिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, बहुत सारे क्षेत्र हो सकता है। तो उस क्षेत्र के जो है रहन सहन या विषय के बारे में, उसके दशाओं के बारे में जो एक एक आंकड़ा को एकत्रित किया जाता है, वही एक सर्वे कहलाता है। या किसने परिभाषा दिया है, बोगार्ट्स ने। इसके अलावा दूसरा पूछता है अब्रामस के अनुसार, तो अब्रामस के अनुसार क्या है, यह एक सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक समुदाय की संरचना एवं प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह अब्रामस के अनुसार हुआ। इसके अलावा भी है पीबी यंग के अनुसार, पीबी यंग तीन भाग होते हैं इसमें, सामाजिक सुधार हेतु किसी ठोस कार्यक्रम को बनाना, दूसरा निश्चित भौगोलिक सीमाओं और सामाजिक परिणाम घटित करने वाली तथा सामाजिक महत्व की सामायिक और तत्कालिक घटनाओं से संबंध रखने वाली, और तीसरा होता है इन दवाओं की गणना की जा सके, उनकी तुलना की जा सके और फिर उसको वर्णन किया जा सके। ये पीबी यंग के अनुसार है, ये उसके तीन अंग बताए हैं शोध के। इसके अलावा भी है केलांग के अनुसार, सामाजिक सर्वेक्षण को समान सहकारी प्रयास माना जाता है ताकि जनमन जागृत करने वाली तीव्रता सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए कार्य करे। ये किसके अनुसार है, केलांग के अनुसार। तो ये चार परिभाषाएं जो है परीक्षा में पूछता रहता है, कोई एक परिभाषा लिख देगा और चार वो विद्वानों का नाम लिख देगा, कहेगा यह किसका परिभाषा है या यह कथन किसका दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या है, तो सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं जो है, सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति परिणामात्मक होती है, और इसके बाद सर्वेक्षण में परिणाम ज्ञात करने के लिए आंकड़ों के सांख्यिकीकरण के आधार पर एकत्रित किया जाता है। सर्वेक्षण का उपयोग समानता या समुदाय की दशा एवं परिणाम को बताता है। इसके अलावा जो है इसमें समूहों की सामान्य जीवन से संबंधित क्रियाओं एवं सामूहिक व्यवहार को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अलावा भी है सर्वेक्षण में समूह संगठनों
समितियों आदि को भी इकाई मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं का चयन पूर्व परिभाषित समर्थ में ही निर्णय लिया जाता है और आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए सर्वेक्षण में वार्षिक अध्ययन पर ध्यान दिया जाता है। यही था आज के पुस्तकालय में शोध विधियां। इसका स्टडी मटेरियल्स भी आपका जो है लाइब्रेरी यूजर्स में अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया जाएगा और वह टेस्ट का मटेरियल भी जो है आपका स्टडी मटेरियल्स में अवेलेबल रहेगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।